मैं हॉर्न बजाता हूँ 1122 वालों का, तो औरतें बड़ी जल्दी से साइड पे हो जाती हैं। वो MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। इस वक्त आप पाकपतन में मौजूद हैं। जब हम रोड से गुजर रहे थे और बाबा जी जो हैं वो आवाज़ें निकाल रहे थे, हमें पता नहीं था बाबा जी आवाज़ें निकाल रहे। हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये थे, हमें लगा इनके पास कोई MP3 या इस तरह की कोई चीज़ है। जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि मैं अपने मुँह से आवाज़ें निकालता हूँ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा ऊंचा बोलें तो अच्छा। मुझे ये बताएं, आप बड़ी अच्छी आवाज़ें निकाल रहे थे, बड़ी मुनफिद, ये कैसे निकाल लेते हैं? ये अल्लाह ताला की कुदरत है जी, अल्लाह ताला की देन है, मेरी कोई बस की बात नहीं जी। आप अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं? जी मुंह से निकाल रहा था जी। तो कौन कौन सी आवाज़ें आप निकाल लेते हैं? इसके अलावा एक आप हाथ से आवाज़ निकाल रहे थे। ये कब से आप आवाज़ें निकाल रहे हैं? ये जी बचपन के बस शौक है, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था तो रश बहुत ज़्यादा होता है, उधर औरतें के साथ से गुजरती हैं, मैं हॉर्न बजाता हूँ 1122 वालों का, तो औरतें बड़ी जल्दी से साइड पे हो जाती हैं। वो कहती हैं 1122 वाली गाड़ी आ गई है, मैं आगे गुजर जाता हूँ तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती हैं वो तो गाड़ी गुजरी नहीं, फिर वो कहती हैं बाबा जी ये गुजरे हैं, उन्होंने बजाया होगा। वो बेचारी परेशान हो जाती हैं, सड़क के साथ लाके हंसना शुरू कर देती हैं और बंदे भी बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं ये किधर से आवाज़ें आ गई, यकदम डर जाते हैं कि एम्बुलेंस की आवाज़ चलनी शुरू हो गई है। तो आपको रास्ता नहीं मिलता था, इस वजह से आपने आवाज़ें निकाली, फिर आपको लोग रास्ता दे देते थे। रास्ता दे देते एम्बुलेंस की आवाज़ तो आप रश में निकालते हैं, आपने और भी बहुत सारी आवाज़ निकाली, कुत्ते की आवाज़ निकाली, बिल्ली की आवाज़ निकाली, वो आवाज़ें आप कब निकालते हैं? ये बच्चों को डराने के लिए आवाज़ें निकालते हैं? बच्चे नहीं डरते आपसे? नहीं जी, बच्चे सिर्फ 1122 वाली आवाज़ से डरते हैं। कुत्ते वाली आवाज़ कभी आपने रात को निकाली हो, बच्चे डर के भाग गए? डॉगी वाली निकालूं तो बड़े भी डर जाते हैं, बच्चे भी डर जाते होते हैं। कभी अंधेरे में आवाज़ निकाल के किसी औरत को डराया, किसी बच्चे को डराया? वो तो आवाम जो भी खड़ी हो, मैं हॉर्न बजाता हूँ तो वो डर के साइड पर हो जाते हैं, मैं अपना निकल जाता हूँ, रास्ता ईजी मुझे मिल जाता है बस। आप लोगों को परेशान करते हैं, लोग तंग भी होते होंगे? नहीं जी, तंग को नहीं, बस वो रास्ता दे देते हैं, बाद में हंसते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। कभी पुलिस वालों ने पकड़ लिया हो कि आप सायरन की आवाज़ें निकाल रहे हैं, आपने अपनी बाइक में या साइकिल में कोई चीज़ तो नहीं लगाई हुई? मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, पुलिस वालों के साथ से भी गुजरे, मैं कितनी बार उधर से भी गुजरते वक्त भी हॉर्न बजाता हूँ, वो पुलिस वाले भी देख के हंसना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये कौन, फिर वो कहते हैं ये वो लड़का गुजरा है जिसने हॉर्न बजाया। लड़के, आप लड़के हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने सुना है आपकी 3 शादियां हुई हुई हैं, आप मुफ्ती कवि साहब बन गए हैं, 3 शादियां? मेरी 3 शादियां हुई हुई हैं जी, 10-12 बच्चे हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। गिनती बोल के बच्चों की जी, ये बताएं और भी शादियां करने का इरादा है? जी एक शादी और कराने का इरादा है अभी तक, 4 पूरी करनी है जी इंशाल्लाह, अल्लाह को। तो ये शादियां इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ये हमारे नबी पाक की सुन्नत है जी कि जितनी शादियां कराओ उतना ज़्यादा हमारे नबी पाक राज़ी होते हैं,
उनकी सुन्नत अदा होती है। तो चार बीवियों को रख लेंगे, उनके तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अल्लाह देता होता है रिजक, अल्लाह के हाथ में है जी, बंदा कुछ भी नहीं कर। नहीं तो तीसरी शादी करने, चौथी शादी करने की क्या मजबूरी है? पहले वाली बीवियाँ तंग करती हैं। नहीं जी कोई, बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत ईजी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं जी। जब वैसे आप रियल लाइफ में करते क्या हैं, आप कमाते कैसे हैं? मेरी जी दो कंटीने हैं जी, एक फरहान स्कूल और एक लारल होम स्कूल। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उधर से मुझे रिजक दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर से मैं दम वगैरह करता हूँ मरीज़ों को। तो आप दम भी करते हैं जी? दम आप किसको करते हैं? बच्चों को, औरतों को, जो भी आ जाए उनको दम कर देता हूँ। तो दम से कभी शफा होती है? कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें तो दम से फ़र्क ही नहीं डला? नहीं, हर मरीज़ को इंशाल्लाह दम शफा मिलती है। उसकी वजह ये है जी, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला शफा खुद बखुद दे देता है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपकी ज़मीन वगैरह भी, आप कह रहे हैं मैं खेती भी करता हूँ। खेती बाड़ी भी करता हूँ जी, पौना किला ज़मीन है जी और पांच मरले एक ज़मीन है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, सही काम चल रहा है जी। आखिर में मुझे आप एम्बुलेंस और जो आवाज़ें आप निकालते हैं वो एक दफ़ा फिर निकाल के दिखाएं। अच्छा जी।